तो वेलकम वेलकम कर दिया गाइस, आंटी ने वेलकम कर दिया। वेलकम बैक टू दी अनदर व्लॉग गाइस। फिलहाल अपन करोल बाग की जाम काट रहे हैं। करोल बाग का जाम तुम जानते ही हो कितना खतरनाक है। ऐसा लगता है सारी दिल्ली की जनता यहीं उतर गई है। फिलहाल जाम तो अपन ने काट दिया है। एंड अरे भाइयों आज के बढ़िया दिन की शुरुआत होती है दोपहर के दो बजे अपने को पहला ऑर्डर मिला है, वो भी करोल बाग से महिपालपुर का। तो ये है डब्बा, सही से दिखाता हूँ, ये डब्बा है गाइस, ठीक है, कुछ और मत देख लेना, मेरा डब्बा देखना बस। तो फिलहाल अपन चल रहे महिपालपुर एंड करते इस ब्लॉग को यहीं से स्टार्ट। तो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल जैतिन मेहरा ब्लॉग्स में। कुछ बढ़िया सा इंट्रो बनाएंगे यार, अभी मेरे को ना कोई इंट्रो सूझ नहीं रहा, तो मैं ऐसे टेम्परेरी ब्लॉग करना चालू कर देता हूँ। तो बढ़िया सा इंट्रो भी सोचेंगे एंड बढ़िया सा इंट्रो होते ही तो फिर तो अपनी बातचीत ही अलग है। यार ठंडा ठंडा पानी यहाँ मिल जाता है करोल बाग में, और रोडों पे जब घूमते हैं जब नहीं मिलता। फिलहाल डंडे हो चुके हैं अपनी स्कूटी में, 5 पूरी लाल बैटरी डलवा के आए थे, एक भी ऑर्डर नहीं मिल रहा, तो घूमते घूमते इतना हो गया। कर क्या रहा है ये झमूरा, एक सौ आठ मिनट का टाइम चल रहा गाइस, एक ही रास्ता गया यहाँ से। लंबा हो जाएगा गाइस। फिलहाल चलते हैं महिपालपुर और मिलते हैं आपसे महिपालपुर पहुंच के गाइस। तो फाइनली गाइस अपन महिपालपुर पहुंच चुके हैं एंड अपने बगल में से प्लेन उड़ रहे हैं, बहुत बहुत कैड़े कैड़े, बहुत बड़े बड़े दिख रहे हैं प्लेन। तो फिलहाल अभी महिपालपुर पहुंच चुके हैं और भाई बहुत गंदी वाली नींद आ रही है, मैं हाईवे पर सो गया ना कसम से, तो गाड़ी मेरी भिड़ जाएगी आपस में, मैं पता नहीं कैसे कंट्रोल कर रहा हूँ, मेरे को नींद आ रही है बड़ी गंदी वाली यार। बट काम भी करना है यार गाइस, इतना काम के थोड़ी कुछ होगा यार। अभी ये मान लो ऐसे ऐसे मेरे को 3 ऑर्डर 4 ऑर्डर मानने, कम से कम 5, तब जाके सेट होगी कहानी। 5 तो मानने हैं मैक्सिमम। तब जाके होंगे ये, चलो देखते हैं यार क्या किस्मत है, कितने का काम होता है, क्या क्या निकलेगा इस नतीजा। फिलहाल महिपालपुर आ चुका है, ये रहा महिपालपुर ही है ये। एंड काटते हैं महिपालपुर का जाम एंड देखते हैं कहाँ का पिकअप है, ये अंदर का ही है, यहीं का दिखा रहा, थोड़ा सा पास का ही है। तो मिलते हैं ड्रॉप करने के बाद। फिलहाल अपन ने दूसरी राइड भी उठा लिया मानेसर की, ये कट्टा मिला है इस बार। तो यार इस बार कट्टा मिला यार, वो भी 25 किलो का। तो वो कह रहे हैं हम एक्स्ट्रा कर देंगे, पर ब्रो बात पता है क्या है कि वो कितने एक्स्ट्रा कर देंगे तो देखी जाएगी। ये ले, पहले ही बंद हो गई।
गाइस ये भी बंद हो जाती तो चालू होने का नाम नहीं लेती। यू टर्न कहाँ से है, यू टर्न दिख रहा मेरे को तो। अच्छा यहीं से बाहर निकाल रहा है क्या? तो गाइस कट्टा भी ज़्यादा बड़ा ही है यार, समझ नहीं रहा मेरे से। फिलहाल मैं तो यही दुआ करूँगा सही सलामत अपन पहुँच जाएँ एंड वहाँ से देखते हैं कहाँ की राइड मिलती है। तो यार मैं पहली बार मानेसर जा रहा हूँ, देखते हैं मानेसर से कहाँ की मिलती है। ओम तो गया हुआ है काफ़ी बार, ओम कहता है भाई मिल जाती है मानेसर से, अब देखते हैं कहाँ की मिलती है भाई मानेसर से, क्योंकि ऐसा ना हो ना कि फिर मानेसर चले भी जाएं और राइड भी ना मिले, वहाँ से भी खाली आना पड़े। लेकिन कहीं ना कहीं के तो राइड उठा के आएंगे ही वापसी, देखते हैं फिर कहाँ की मिलती है हमारे को, पर वेट करना पड़ जाएगा, पर यही है। भाई मुझे यहाँ का रास्ता नहीं पता कि कहाँ से कहाँ जाना है, कहीं ये गलत ले जाऊँ तो फिलहाल ऊपर चलना पड़ेगा एरो सिटी की तरफ। जाने को यहाँ से यू टर्न मार के भी जा सकता हूँ, पर नहीं यार यू टर्न मारना रिस्क हो जाता है हर बार, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, हमेशा ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो फिलहाल मिलते हैं आपसे स्वैपिंग पॉइंट पे, कापा सेड़ा चल रहे हैं एंड अपना एक ही खास बढ़िया वाला स्वैपिंग पॉइंट है, वहीं से बैटरी डलवाते हैं तो वहीं चल रहे हैं। अब यार बीच में आई थे उस बात की मेरी पूरी जिंदगी का। तो फाइनली गाइस फाइनली अपन को बैटरी मिल चुकी हुई हरी, अब तो सारी टेंशन खत्म, अब तो वापसी भी आ जाएंगे, इतनी इतनी बैटरी बच जाएगी। एंड पिकअप तो तुम्हारे को पता ही है बड़ा था, एंड अपने को एक और खास चीज़ दिख गई, अपना साइबर सिटी तो थे ही, साइबर हब भी पहुंच चुके हैं गाइस। कॉल आ गई किसी गाइस। तो फिलहाल गाइस लाल गाइस ये रैपिड मेट्रो क्या है मेरे को भी नहीं पता गाइस, किसी को पता हो तो बताना रैपिड मेट्रो क्या है। BMW का लोगो गाइस। आगे से यहाँ से इसकी एंट्रेंस है अंदर से, देख रहे हो ना। तो फिलहाल अपन को मानेसर जाना है, मानेसर पे यहाँ से 25 किलोमीटर है मेरे भाई। ये मानेसर बहुत ज़्यादा हैवी हो गया है भाई, बहुत ज़्यादा हैवी हो गया, बहुत ज़्यादा। तो फिलहाल कोई नहीं, चलते हैं अपन एंड मिलते हैं मानेसर पहुंच के। तो फिलहाल गाइस इतना मत्था पिच्चा करने के बाद एक राइड उठाई है अपन ने, छोटी सी पन्नी है, एक मत्था बार तो अब जाके राइड उठाई है अपन ने और फटाफट से डिलीवर करते हैं एंड मिलते हैं आपसे फिर दोबारा सदर बाजार। भाई देखो 650 का काम तो करना ही है, ठीक है कुछ भी हो जाए 650 का काम तो करना ही है भाई, जिसको कमाना होता है वो निकलेगा जरूर यहाँ से। भाई रैपिडो मान रहे सही है यार, काम तो काम है, फटाफट इसे डिलीवर करें एंड मिलते हैं आपसे अगली राइड पे। गल सुन मेरी तू मुटियारे की समझे अब
अपने आप नू मेरे मगर तू की कर दी एह गल बस तू ही जान दी मैनू सिर्फ या पेश न कर सब बोलो थोड़ा जिहा कर सिख जाके प्यार करने दा बोल झूठे सन साडे तो फिलहाल का ही सपन है साइबर सिटी, जैसे कि 3 रील 2 रील बना दी मैंने, रील पता नहीं कैसी बनी है नहीं बनी मुझे नहीं पता भाई, ठीक है मेरे भाई, बट अपन चल रहे हैं अब घर। 600 का हो गया यार, बहुत है, इतना तो कल का टारगेट पूरा कर ही लेंगे यार, टारगेट कल पूरा कर लेंगे, ठीक है मेरे भाई। अभी चल रहे फिलहाल घर यार, फिलहाल घर चलो, मौज लो, काट लो। तो ये गुड़गांव का जाम है गाइस, यहाँ पे ऐसे ही जाम मिलता है, यहाँ जाम ऐसे ही मिलता है गाइस। इसका अपन कुछ नहीं कर सकते गाइस, जगुआर जगुआर खड़ी है गाइस, जगुआर एसएफ नाम है, जगुआर एसएफ। फिलहाल फटाफट चलते हैं वहां से, बैटरी डलवाते हैं और फिर निकलते घर की साइड। पट्टे हैं गाइस, दबा देंगे। तो फिलहाल पहुंचते हैं फटाफट टैपिंग पॉइंट अपना फेवरेट वाला कापसेड़ा। एंड मिलते हैं आपसे टैपिंग पॉइंट पहुंच के। तो फिलहाल अपन ने बैटरी डलवा ली है, मैं और ओम दोनों साथ में आ गए, समझते हो ना, पता नहीं कहाँ मर गया वो, पीछे चल रहा है काफी। फिलहाल इनसे आगे निकाले पहले तो ट्रक वालों बस वालों से, देखो ये चूतिए आ गए ना रोड पे, इनके चक्कर में वो खींच देगा इधर को और हमारा मीटर घुस जाएगा जाके उधर नाले के अंदर, तो ये कहानी बन जाती है, कहानी की जुबानी बन जाती है फिर, तो ऐसी कहानी की जुबानी हमारे को नहीं चाहिए, हमारे को सीधा घर जाना है। अब गाइस अब सारी मशीनें चार्ज हो चुकी हैं, सारी की सारी। फिलहाल ओम पता नहीं कहाँ रह गया गाइस, फिलहाल हैं हम कापासेड़ा एंड चल रहे हैं घर की साइड द्वारका होते होते। गाइस हर बार द्वारका से ही जाते हैं अपन, तो अब की बार भी द्वारका से ही जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ रह गया, इसको देखूं पहले मैं, मेरा लाड लग हो गया। तो फिलहाल गाइस अपन आ चुके हैं विकासपुरी, ये रहा हमारा फ्लैग, तो आप समझ सकते हो हम कहाँ आ चुके हैं, अपन आ चुके हैं विकासपुरी फ्लाई ओवर, ये रहा आज अपना तिरंगा लहर नहीं रहा गाइस, सहमा सहमा सा आया आज, पता नहीं क्या हो गया, हवा हवा नहीं चल रही ज़्यादा। तो फिलहाल मेरे भाई अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो तुम समझते हो ना क्या करना है, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब मेरे भाई। फिलहाल ओम तो भाग गया हमारे को छोड़ के, हम चल रहे सहमे सहमे से, अभी आगे आएगा ओम पता, वो चल रहा धीरे धीरे, अब धीरे कर ली इसको गाइस, भगाने में बड़ा मजा आता है ना, जिस दिन मैंने स्पीड खुलवा लेनी है ना उस दिन ये रोएगा, फिर मैं रोंदे करूँगा स्कूटी अपनी, पर सही है यार मैं क्या स्पीड बढ़वा के करूँगा, मेरी तो मस्त चलती है एकदम एक नंबर की। देखो वो जा रहा, वो आगे आगे इन भाई से आगे वाली गाड़ी उसी की है, गाइस चोर आ चुका है गाइस, हेलो गाइस चोर आ चुका है
ये देखो गाइस, इसको लैम्बोर्गिनी उरिस दिख गई। ऑर्डर बच गया गाइस, इसका ऑर्डर बच गया गाइस, कच्चे खुल गए इसके। क्या हुआ? नहीं ऐसा थोड़ी होता बे, यहाँ आस पास से ही बचता है ये। और क्या, वो तेरे ऊपर है, तू कहाँ से कुदाएगा? ये लो, गाइस हुक्का लग रहा, गाइस हुक्का हुक्का। ये तो महफिल जमा रहे गाइस, महफिल जमा रहे भाई। तो लोग आए सुन लो इसकी भी बात है। तो फिलहाल अगर हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो और इसकी लैम्बोर्गिनी उरस अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करे, कमेंट करे एंड अपना सजेशन जरूर दे भाई। तुम अपना सजेशन नहीं देते मेरे भाई, कमेंट मारते ही नहीं हो। तो सब्सक्राइब तो तुम्हारा एक वो है यार, कर्तव्य है भाई, कर दे करो यार सब्सक्राइब। क्या घिसता है तुम्हारा, एक सेकंड ही तो घिसेगा, कर दे करो यार सब्सक्राइब मेरे भाई। एंड बहुत सारे ऐसे ही व्लॉग बना चुके हैं और अपलोड करने का टाइम नहीं मिल रहा गाइस। सबसे बड़ी पिक्चर यही है गाइस, अपलोड करने का टाइम ही नहीं। अपलोड तो छोड़ो, वो क्या बोलते हैं, एडिटिंग करने का एडिटिंग ही नहीं, ऐप ही नहीं है मेरे पे एडिटिंग करने के लिए यार। तो ये भी एक समस्या है गाइस, काइन मास्टर से अगर मैं करता हूँ तो ये 6GB 7GB की फाइलें हैं। ये जो एक ब्लॉग मैं एडिट कर रहा हूँ ये 7GB का ब्लॉग है, ये एडिट नहीं हो पाएगा। तो समझते हो ना मेरे पास मेरी फीलिंग। तो कैसे ना कैसे करके करेंगे ब्लॉग एडिट एंड मिलेंगे आपसे कंटिन्यू ब्लॉग्स के साथ। ये समझ लो मैंने 7-8 दिन की मेहनत पहले से इकट्ठी करके रख लिया है, एक भी दिन मिस नहीं करूँगा एक ब्लॉग, कोई ना कोई ब्लॉग आते ही रहे करेगा। तो फिलहाल मिलते हैं आपसे और किसी बढ़िया से ब्लॉग में। तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन मेरे भाई। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। तो गुड बाय मेरे भाइयों, मिलते हैं अपने और किसी बढ़िया से ब्लॉग में।